मम्मी पहली बार आप मेरे यहाँ आई हैं, बताइए क्या खाएंगी? नहीं बेटा, हमारे यहाँ बेटी के यहाँ का पानी तक नहीं पीते। अच्छा, मेरे ससुराल वाले मेरे मायके जाएं तो ठूस ठूस के खाएं, और आप लोग यहाँ आए तो पानी तक ना पिए? मैं नहीं मानूंगी ये, इनका भी तो कुछ खर्चा हो। ठीक है, वैसे भी कुछ दिन रुकना है मुझे, इस बार जाते समय कुछ पैसे दे दूंगी। पैसे वैसे का बाद में देखना, पहले मैं आपके लिए कॉफी बनाती हूँ। बेटा, तुम्हारे पापा को कौन परेशान करती है? मामा। एकदम सही जवाब, खूब तरक्की करोगे। कॉफी में शक्कर कम डालो कि ज्यादा? अरे कॉफी बना के दे रही हो, कम से कम यही बहुत है, कुछ भी डाल लो। तुम्हारे लिए नहीं बना रही हूँ कॉफी। मेरे लिए नहीं है, फिर किसके लिए है? तुम्हारी सास आई है। हाँ, तुमको देख के तो एक बार में दो सांस बाहर आ जाती हैं। मैं बोल रही हूँ कि तुम्हारी सास आई है, यानी कि मेरी मम्मी। कब आई और कहाँ है? जाओ ना, इस कमरे में है। अरे मम्मी जी, आप कब आई? बस दामाद जी, अभी आधे घंटे ही हुए हैं। आधे घंटे? कहीं मेरे घर में आंधी तो नहीं आने वाली? अब कुछ बोले क्या आप? मैं आपकी बेटी के सामने कुछ बोल नहीं पाता, आप तो उसकी भी माँ है। प्राणनाथ, आप भी कॉफी पियेंगे? कौन सा नल? मैं बोली प्राणनाथ, आप भी कॉफी पियेंगे? तुमने प्राणनाथ बोल दिया, मेरे प्राणों में कपकपाहट सी हो रही है। अरे सीधे सीधे बताओ ना, तुम भी कॉफी पियोगे? देखा मम्मी जी, ये है असली चेहरा, प्राणनाथ बोल के आपके सामने भोली बन रही थी। नहीं बेटा, वो भोली क्यों बनेगी? मुझे पता है उसके बारे में, आखिर पाल पोस कर मैंने ही तो तैयार किया है उसे। पाल पोस के तैयार किया है? ये कैसा तैयार करना है? मेरे कहने का मतलब बेटा, नेहा थोड़ी तेज है, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो किसी से दब के रहे। अच्छा, खुद दब के ना रहे लेकिन दूसरे का गला दबा के रहे। आज मम्मी पहली बार आई हमारे घर में, अभी तो शुरू मत करो। नहीं, मैं सोच रहा था जाने से पहले वो तुम्हारा असली चेहरा जान ले। कहाँ जाने से पहले? शाम को जाएंगी ना वापस अपने गांव। नहीं, वो कुछ दिन रुकेंगी अभी यहीं। सच में मम्मी जी, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? जी दामाद जी, मैं कुछ दिन से सोच रही थी कि नेहा का घर देख के आती हूँ। घर तो 10 मिनट में दिखा दूंगा, बाकी अब रुकना चाहती हैं तो बहुत अच्छी बात है। वैसे कितने कमरे हैं दामाद जी? जी 3 कमरे, 1 किचन और 1 मालकिन है। मम्मी इनसे बोल रही हूँ, कार ले लिए हो, एक घर भी देख लो कहीं। देख लूंगा, थोड़ा पैसा इकट्ठा होने दो। तो फिर तो बन गया घर, इस घर में हम इकट्ठा नहीं हो पा रहे तो पैसा क्या इकट्ठा होगा? देखा मम्मी जी, मोटिवेशन नहीं देना बिल्कुल, हर बात पे उड़ते तीर छोड़ने हैं बस। नेहा, ऐसे नहीं बोलते बेटा, सॉरी बोलो। मम्मी जी 1 मिनट, क्या बोलने को बोला आपने? सॉरी बोलने को बोला। आप कितने दिन रुकेंगी यहाँ? 10-15 दिन। 15 दिन बाद आज का बोला सॉरी ब्याज सहित वसूल करेगी। मुझे नहीं सुनना सॉरी। अच्छा, इतनी दहशत? मैंने इतना भी तैयार नहीं किया था। यहाँ आके सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है ना मम्मी जी। कॉफी पियोगे तो बोलो, बाकी काफी बोल गए तुम। काफी बोल गया? अरे कम बोला हूँ, अगर मम्मी जी 15 दिन रुकी ना फिर देखना तुम। हाँ तो रुकेंगी ही, लेकिन तुम जो बोलना वो 15 दिन बाद का सोच के बोलना। नेहा अब चुप हो जा तू भी, और दामाद जी के लिए भी कॉफी बना देना। हाँ ठीक है मम्मी, बना दूंगी। छोटा भीम कहाँ है? अच्छा धैर्य, वो उस तरफ खेल रहा होगा। वीडियो कॉल में देखा था कल, अब तो बहुत बोलने लगा है। हाँ अपनी मम्मी पे गया है ना। अच्छा हुआ कि मुझ पे गया है, पापा पे गया होता तो शकल भी 0 है और अकल भी जरा सी है। बन गई कॉफी? हाँ बस हो ही गई है। हाँ तो इससे पहले कि उसे फेंक के मारो, उसे कप में डाल के दे दो। अरे हाँ बेटा ला दे, अब सर सा दुखने लगा है। सर दुखने लगा? क्या हुआ, हंसे क्यों तुम? नहीं, आधे घंटे में ही मम्मी जी का सर दुखने लगा, 15 दिन में तो दुख में सर रहने लगेगा।
लो कॉफी उठाओ अपनी। आप बकवास कॉफी बनाई है। कैसी है मम्मी कॉफी? अरे तूने तो बिल्कुल मेरे जैसी कॉफी बनाई है, जैसी मैं बनाती हूँ। अब जब नदी ही ऐसी है तो झरना तो ऐसा होगा ही। मेरी बेटी के हाथ की कॉफी कैसी है दामाद जी? हॉस्पिटल में ऑपरेशन के पहले मरीज को पिलाए जाए ना तो बेहोश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे बेहोश होना अच्छा लगता है।